वेलकम टू बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य बंसल। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, तो हम आज आपको बताएंगे कल के चार स्टॉक और बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू, जिसमें आप पैसा इतना कमाएंगे कि आप भी कहेंगे। और हम आज क्या वर्क किया, आज हमने कितना कमाया, ये फटाफट से जान लेते हैं। और आगे इस वीडियो में बहुत कुछ अच्छा है आप सबके लिए, इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, हम आपको डेली फ्री स्टॉक बताते हैं, डेली चार फ्री स्टॉक बताते हैं। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत से लोग हमारे पास कॉल आते हैं कि सर, आपके जो फ्री स्टॉक हैं चार स्टॉक, उसमें बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी एडवाइजरी कंपनियों के चक्कर में पड़कर बहुत लॉस कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है। क्योंकि हम आपको फ्री स्टॉक बता रहे हैं ना, वो कुछ के अलग से रिसर्च करते हैं। अगर उनके डेमो के लालच के चक्कर में आप पढ़कर आप हजारों लाखों का लॉस कर लेंगे, तो नुकसान किसका है? उनने तो बोल दिया कि आप, हम आपको डेमो देंगे, आप दो दिन वॉच करिए, दो दिन ट्रेड करिए, उसके बाद जमे तो काम करना। लेकिन ऐसा करना ही क्यों है, समझ रहे हैं? अगर वो डेमो ऐसा देते जिसमें आपको प्रॉफिट होता, तो फिर तो सभी लोग डेमो से पैसा कमा लेते। और उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? एडवाइजरी कंपनी, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी एडवाइजरी कंपनी बेकार होती हैं, बट बहुत से कॉल आते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आप काम करते हैं, हाँ, आप हमारी सर्विस वॉच करिए, कल हम आपको लेवल देंगे, उस पर आप काम करिए, और आपको अच्छा लगे तो सर्विस लीजिए। आप उस चीज लेवल पर काम करते हैं और आपका लॉस हज़ारों रुपये का लॉस हो जाता है, तो लॉस तो आपका है ना। आप क्या सोचते हैं कि वो पैसा लेकर और अच्छी सर्विस देंगे? ऐसा कभी नहीं होता। हम आपको फोर स्टॉक बता रहे हैं, ये हमने कल चार स्टॉक बताए थे आपको। ये देखिए, ये हमने कल आपको चार स्टॉक बताए थे, चारों में बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ। हम आपको सपोर्ट लेवल बताते हैं, अपनी स्टडी करके पूरा सपोर्ट लेवल बताते हैं। तो देखिए, आप काम करना इस पर, आप काम क्यों नहीं करते? हमने बताया कि सपोर्ट लेवल के ऊपर जाए तो आपको बाइंग करनी है, सपोर्ट लेवल के नीचे जाए तो आपको सेलिंग करनी है। मार्केट कहीं भी ओपन हो, जैसे देखिए वोल्टास को पकड़ लेते हैं, ठीक है, वोल्टास हमने बताया था 551 रुपये सपोर्ट लेवल है, ओके। तो मार्केट ओपन हुआ था, ये देखिए, ये पहला कैंडल है, मार्केट ओपन हुआ 554 पर, ठीक है, और उसके बाद से 555 हाई मारा, ठीक है, मारने तो कोई दिक्कत नहीं। हमने तो 551 पे, अगर आपका है ऊपर जा रहा है, मतलब कि उसमें रिवर्स मारा, हमने 551 के नीचे, एक रुपये नीचे, 550 रुपये पे सेल लेवल लगा दिया, यानी कि 555 मारा, हम नीचे भी तो आएगा ना, ऊपर ही जाएगा क्या? हमें तो नीचे की साइड बाई करना है, ऊपर की साइड नहीं करना। 550 पे हमने सेलिंग लगा दी। देखिए, अगर आपने 550 पे सेलिंग लगा दी, तो देखिए 550 दूसरी कैंडल बनी, देखिए इसका कितना लो है, 545, 5 पॉइंट मिले, बहुत है, 3 से 5 पॉइंट आपको लेना है, आपको और क्या चाहिए? सारा दिन मार्केट सपाट रहा, उसके बाद यहाँ से देखिए, अगर आपने फिर 551 पर ऊपर, 552 पर आपने बाइंग लगा दी, तो देखिए यहाँ से 555 फिर हाई मारा। हमको सपोर्ट लेवल देखना है, मार्केट कहीं भी ओपन हो। ये देखिए ICICI बैंक देख लेते हैं, ठीक है, ये दूसरा स्टॉक था ICICI बैंक, इसको बड़ा कर लेते हैं। पता नहीं आप कितना परेशान होते हैं, और खुद क्योंकि उनके चक्कर में पड़कर आप बहुत लॉस कर लेंगे। हमारी वीडियो के नीचे बुक्स के नाम दिए हैं, बुक पढ़िए, क्योंकि आपकी नॉलेज आपके पास रहेगी। हम नहीं कहते कि हमारे साथ जुड़िए, आप जुड़िए मत, आप तो काम करिए ना, हम आपको फ्री में काम करा रहे हैं, फिर क्यों नहीं करना चाहते? ये देखिए, हमने 353 रुपये इसका सपोर्ट लेवल दिया था, ठीक है, अब आपको 1 रुपये ऊपर या 1 रुपये नीचे आपको बैठे रहना है। 353 रुपये 50 पैसे, यानी कि 354 रुपये 50 पैसे बाई लगा दो, ठीक है। अब देखिए, ये आया ही नहीं है 355 रुपये, तो इसको अपने बाई नहीं किया ना, छोड़ो इसको, ये नहीं आया तो इसको लगा के बैठा, नहीं एग्जीक्यूट हुआ, नहीं करेंगे। अब देखिए अगला TCS, चार दिए हैं, चार में से एक तो जाएगा, दो तो जाएंगे, तीन तो जाएगा, प्रॉफिट ही तो होगा ना आपको, लॉस क्यों करते हैं? कई लोगों की फिलोसफी रहती है कि आपने अगर 2000 का प्रॉफिट कर लिया, अब सोचेंगे आप तो कॉम्पिटेंस आ गया, आप तो 5000 का प्रॉफिट करके दिखाएंगे, पहले 100 क्वांटिटी बाई करिए, 1000 कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना एक रूल्स बनाइए, हमने खुद अपने रूल्स बनाए हैं, तभी हम
आगे हम प्रॉफिट करते हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। हम नहीं देखते कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपने कुछ रूल्स हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर हमारे रूल्स पर ये स्टॉक बैठता है, हमारे लेवल पे आएगा, तभी हम उसको बाय करते हैं। ये देखिए, उन्हें 1930 का सपोर्ट लेवल दिया था, ओके। फिर देखिए मार्केट कितने पे ओपन हुआ, 1909 पे, ठीक है भैया बाइंग नहीं बनी। उसके बाद हमने वेट किया 1930 आने का, ठीक है 10:30 पे आए, 10-11 बजे आए, लेकिन वेट तो कर रहे हैं, आपको लॉस तो नहीं हो रहा ना। ये देखिए 1930 यहाँ पर आया, देखिए 1931 पे आपकी बाइंग हो गई, ठीक है। 1931 के बाद इसने हाई मारा 1937 का, उसके बाद फिर इस और ऊपर गया, देखिए 1941.55 पैसे का हाई मारा है, देखिए साइड से, ये देखिए आप देख लीजिए, चार्ट जरूर चेक करना, देखिए मतलब 1930 पे बताया और 1941 यानी कि 11 पॉइंट मिले हैं। अब बताइए 11 पॉइंट कम होते हैं क्या? आपने 3 पॉइंट कमाए, 5 पॉइंट कमाए, प्रॉफिट तो हुआ, और उसके बाद आपने फिर वापस से नीचे, अब ये ऊपर चला गया तो नीचे तो आएगा, तो आप नीचे सेलिंग पोजिशन लगाए बैठे हैं, तो 1929 पर आपने सेलिंग लगा दी, ठीक है। यहाँ पर आने 1929 पर देखिए सेलिंग लग गई, देखिए उसके बाद कितना, मतलब यानी 1905 पे आई गया, देखिए 1905 पे लो मारा है। अब इतना नहीं करते, 3 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट तो मिलेंगे आपको। आप काम करिए, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता, सपोर्ट लेवल भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखिए 1909 तक गया, 30 पॉइंट मिले, अब कम है 30 पॉइंट, बताइए आप। आप काम करिए, 20 पॉइंट मिले, कम है क्या 20 पॉइंट? 3 से 5 पॉइंट लेना है, मतलब बाय साइड भी प्रॉफिट और सेल साइड भी प्रॉफिट। हम ये सपोर्ट लेवल बताते हैं आपको, कुछ नहीं देखना मार्केट कहीं भी हो, अगर मार्केट ऊपर ओपन हो गया तो नीचे भी तो आएगा। सपोर्ट लेवल को वॉच करिए आप, सपोर्ट लेवल के, अगर मार्केट ऊपर ओपन हो गया, सपोर्ट लेवल के अगर ऊपर नीचे बाय सेलिंग लगा के बैठ जाइए, नीचे आएगा, सेल सेल होगा, अपने आप ही आपको प्रॉफिट देगा जाएगा। अगला देख लेते हैं TCS में, सॉरी डॉक्टर रेड्डी में। ये देखिए हमने डॉक्टर रेड्डी का सपोर्ट लेवल बताया था आपको, ये देखिए 2618 2618, ओके। तो हमने यहाँ पर आपको अब 1 रुपये ऊपर इसको बाइंग करनी है, ठीक है। ये देखिए 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन कितने पे हुआ, 2644 पर, ओके। 2644 पर मार्केट ओपन हो गया, हाई इतना ही रहा, इसके बाद से गिरना स्टार्ट किया, देखिए लगातार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। हम बैठे हैं 2618 2617 पर हमने सेलिंग कर दी, हमने सोचा कि इसके ऊपर नहीं करेंगे, अपना एक नियम बना लिया कि 2617 पर सेलिंग लगा दी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2617 पर, ये देखिए इस जगह हमारी, ये देखिए कर्सर देख रहा है, इस जगह हमारी पोजीशन में सेल हो गया। देखिए यहाँ से देखिए आप थोड़ा वेट करते देखिए, और देखिए यहाँ से देखिए जिसने कितना लो मारा है, 2617 पर आपने सेलिंग की, 2585 2585, यानी कि 15 या 17 वो 32 पॉइंट मिले आपको, बताइए कम है क्या 32 पॉइंट? और देखिए और भी नीचे लो मारा है इसने, 2583 5 पॉइंट और मिल गए, बताइए 2 पॉइंट मिल गए, 34.34 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। आपने 3 पॉइंट लिए, 5 पॉइंट लिए, प्रॉफिट तो हुआ ना। अब देखिए हमने कितने बताए थे आपको, इसमें 32 पॉइंट मिले, इसमें भी आपको आराम से 20 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे मिले, ठीक है। इस पर भी आपको 3 से 5 पॉइंट मिले दोनों साइड। अब बताइए ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तीनों कॉल तो चले, तीनों लेवल हमने आपको बताए, तीनों में प्रॉफिट हुआ, कितना शानदार प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों करिए ना, आप एडवाइजरी चक्कर, कंपनियों के चक्कर में ना पड़ें, आप खुद का विवेक लगाइए, पैसा आपका है। सर दोस्तों अगर कुछ मैं गलत बोल चुका हूँ आपसे, तो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि सर दोस्तों आपका लॉस होता है तो बहुत दुख होता है हमें, क्योंकि मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी मत बनाइए, एक नियम और बिल्कुल दिमाग फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर वर्क करें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। चलिए हम आपको नेक्स्ट अब बताते हैं निफ्टी में, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ था आज। आज तो मार्केट वोलेटाइल था क्योंकि एक्सपायरी थी आज, तो सारी प्रीमियम्स की वही डाउन थी। तो देखिए आप, हमने 10750 बताया था, तो वहीं की वहीं मतलब निफ्टी वहीं की वहीं घुमा, तो आज हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, आपने 3 से 5 10 पॉइंट मिले होंगे, है ना। तो निफ्टी पे ही वहीं रहा। अब कल का सपोर्ट लेवल देख लेते हैं, ठीक है, कल का सपोर्ट लेवल क्या रहा, 10750 यह कल, ये आज का था,
अब कल का क्या रहेगा ये देखिए। दोस्तों कल का सपोर्ट लेवल हमारा रहेगा 10800, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर इससे ऊपर जाए तो बाइंग करनी है, इससे नीचे जाए तो आपको सेलिंग करनी है। ओके, तो ये सपोर्ट लेवल को आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके बहुत फ़ायदे देगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है कल। और नेक्स्ट चल देख लेते हैं बैंक निफ्टी में फटाफट से। और बैंक निफ्टी में कल का सपोर्ट लेवल रहेगा 26950, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कल इसको देखते हुए आपको ट्रेडिंग करना है 26950। ओके दोस्तों, आज हमें अपनी 30% प्रॉफिट शेयरिंग सर्विस में एक वर्क कराया था और उसमें भी आराम से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। चलिए उसको ही बता देते हैं आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर उसको देख सकते हैं, हमने उसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। ओके चलिए कल के चार स्टॉक आपको बता देते हैं, आप उनमें ज़रूर अपनी पोजीशन बनाइए, वॉच करिए, फिर आप अपने आप ही बहुत अच्छा प्रॉफिट करने लगेंगे। तो ये रहे हमारे कल के 4 स्टॉक जिस पे आप बेहतरीन पैसा कमाएंगे। पहला है जस्ट डायल, दूसरा इन्फी, तीसरा है कैनरा बैंक और चौथा है रिलैक्सो। दोस्तों पेशेंस रखना, बहुत ही शानदार पैसा मिलेगा, मार्केट चाहे अप ओपन हो चाहे डाउन। हम एक स्ट्रेटजी और बता देते हैं इसमें जिसको आपको डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। ओके सपोज दैट मार्केट ओपन हुआ प्लस में, ओके भाई स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपको मतलब दोनों साइड पोजीशन की जगह आपको एक साइड ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों साइड अगर आप नहीं बना सकते तो आप एक साइड भी याद रख सकते हैं। ये देखिए जस्ट डायल का सपोर्ट लेवल हम बताते हैं 505, इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। ये हमने अपनी रिसर्च करके निकाला है, रिसर्च हम दूसरे टर्मिनल में करते हैं, इस पर तो सिर्फ आपको वीडियो बनाने के लिए हम अप स्टॉक्स का यूज कर रहे हैं। ये 505 इसका सपोर्ट लेवल है। मान लीजिए कि कल ये स्टॉक 508 चल रहा है, ओके 508 पर ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर जाने लगा, 5011 तक गया, ओके उसके बाद रिवर्स तो आएगा, रिवर्स आए आपको 504 पर आपको सेलिंग लगा के रखना है। जैसे ही रिवर्स आता है 504 क्रॉस करेगा तो आराम से 500495 तक के लेवल दिखा सकता है। इस तरह का आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखनी है। अगर आप दोनों साइड प्रॉफिट कर सकें तो अच्छा है, ऐसे ही आपको चारों स्टॉक्स में आपको यही करना है। ओके दोस्तों इस वीडियो को ये देखिए, हमारे पिछली वीडियो है आप देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है बिजनेस टाइकून आदित्य। एक्सपायरी के दिन क्या रहेगी मार्केट की चाल, यहाँ से आप शेयर करिए, ठीक है यहाँ से लाइक करिए। ओके और ये हमारे ये कमेंट बॉक्स है, सॉरी कमेंट नहीं, हमारा ये एक सेकेंड, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, ओके इसको चेक जरूर करना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना है, अगर आप खुद से प्रॉफिट नहीं कर पा रहे तो आप हमारी पर्सनल सर्विस, हमारी कोई एडवाइजरी कंपनी नहीं है जिसमें हम खुद वर्क करते हैं, वही लेवल आपको प्रोवाइड करते हैं। हम डेली वर्क नहीं कराते, हफ्ते में 2 से 3 बार हमारा वर्क रहता है, क्योंकि हमें पता है कि डेली प्रॉफिट कभी नहीं होता, क्योंकि मार्केट डेली एक्सा नहीं रहता। ओके ये हमारे सब्सक्रिप्शन लिंक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं, और जेन्युइनिटी हमारे साथ है, जेन्युइन तरीके से आपका वर्क होगा, बहुत लोग काम कर रहे हैं। और ये ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, इस पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप का ग्रुप है। अगर आपको बिजनेस करना है तो मीशो से आप बिजनेस कर सकते हैं, इसकी वीडियो हमने बनाई है, पिछली वीडियो देख सकते हैं, ये रेफर कोड उसका है। कमाई वाला ऐप्स है, फ़ोनपे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं हमारे लिंक से करना, आपको 5 फ़ायदे हम देते हैं, ये प्रोसेस है कैसे ओपन करते हैं। ये कुछ अच्छी सुपर डुपर बुक्स हैं, आप इनको मंगाइए जरूर, क्योंकि आप इन बुक्स को पढ़ेंगे ना, क्योंकि तभी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, आपको एक्चुअल तरीका पता चलेगा मार्केट में एक्चुअल होता क्या है। ये सब बेवकूफ़ नहीं है जिन्होंने बुक लिखी है, समझ रहे हैं, उन्होंने भी पैसा बनाया है उसके बाद तभी कुछ बंदा कर पाता है, क्योंकि कुछ वो कर सकता है ना, जब बंदा कुछ कर लेता है तभी उसके बारे में बताया जाता है, तभी वो लिख सकता है।
ये FB पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करिए, ईमेल आईडी ये है, और वेबसाइट पर विजिट करके और भी ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो हमारे 4 स्टॉक्स में इन्फी दूसरा नंबर पे, इन्फी का फटाफट से बता देते हैं कल का सपोर्ट लेवल 660। ओके 660 ये कल का सपोर्ट लेवल हमारा रहेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम का है और बहुत अच्छा पैसा देगा। ये कैनरा बैंक है, इसका सपोर्ट लेवल रहेगा 273। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए 273। और रिलैक्सो का 724 724 रुपया, 724। दोस्तों ये चारों सपोर्ट लेवल है, आप इसको गौर से देखना और आप इस पर वर्क करना, बहुत ही शानदार पैसा आपको बनेगा। बिजनेस टाइकून आदित्य फैमिली से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया हो तो। थैंक यू, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।